ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली में जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स अपन ले लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। दिस इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, इन नेचर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर नॉन मेटल। ठीक है, नॉर्मली अपन कैसे पहचानते हैं मेटल नॉन मेटल को? आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाला मेटल, जो इलेक्ट्रॉन ना दे उसे हम क्या कहेंगे? नॉन मेटल। नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी का लेवल हाई होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। ठीक, अगर हम नोबल इनमें हैलोजन फैमिली की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखना है इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है NH2NP5। NH2NP5 का मतलब ये हुआ कि इनके वैलेंसी शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये इसका कहलाएगा वैलेंसी शेल। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम ये कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, नोबल गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इनकी टेंडेंसी क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक वेरी करती है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 से लेकर +7 तक। ठीक है, यानी क्लोरीन आयोडीन के बारे में बात करूं तो आयोडीन, जैसे IF7 भी मिलता है, ठीक है ना, जैसे हमारे पास कंपाउंड IF7 भी होता है और -1 स्टेट में ही मिलता है हमें, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और -1 से लेकर +7 तक स्टेट शो कर सकते हैं। इसका एक्सेप्शन है कि फ्लोरीन कैन शो, फ्लोरीन शोज ओनली -1 स्टेट। ठीक, -1 स्टेट इसलिए शो करता है ये क्योंकि ज्यादा स्टेट शो करने के लिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ये केवल -1 इसलिए शो करता है, दो कारणों से लिख सकता हूं मैं, कि एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर फ्लोरीन किसी भी एटम से जुड़ा रहेगा, ए एटम कोई भी ले लू मैं, तो इस बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा फ्लोरीन की रहेगी। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ के कौन ले जाएगा? फ्लोरीन। और फ्लोरीन हमेशा तोड़ के ले जाएगा तो -1 स्टेट हमेशा फ्लोरीन पे ही जनरेट होगी। फ्लोरीन पे प्लस तभी आ सकता था जब इससे कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम इसके सामने पड़ा होता और वो बॉन्ड को तोड़ के ले जाता। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियडिक टेबल में हाईएस्ट है तो बॉन्ड इसे तोड़ के कोई नहीं जा सकता, तो ये केवल -1 स्टेट ही शो करेगा। और दूसरा रीजन हम क्या बोल रहे हैं इसका, कि इसमें वैकेंट एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इट कैन नॉट एक्सपेंड इट्स वैलेंसी। एक से ज्यादा एटम से जुड़ नहीं सकता तो वैलेंसी एक्सपेंड नहीं करेगा। तो जनरल कॉन्फिगरेशन NH2NP5 -1 इसलिए बना रहा है क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो फ्लोरीन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस दिखाने का एक और रीजन है कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हाई है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कैसे देखते हैं? जब हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाती है। ठीक, तो लास्ट में 17 ग्रुप में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन खींचकर आसानी से क्या बना लेता है? -1 एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में रूल यह है कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, रेडियस इंक्रीजेस।
तो नीचे वाले एलिमेंट की रेडियस ज्यादा होती है, तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन। तो फ्लोरीन छोटा होगा साइज में, आयोडीन बड़ा होगा साइज में। रीजन इसका क्या होता है कि नीचे जाते जाते हैं तो एन की वैल्यू बढ़ती जाती है, एन क्या है नंबर ऑफ शेल, और शेल बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे, साइज बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से आसान है, यहां से, जितना बड़ा एटम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही आसान है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज लेसर इन आयोडीन, तो इसका रिलेशन सीधा ही होता है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, साइज बड़ा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब एक जनरल ट्रेंड ये होता है कि जब अपन ग्रुप में नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। यह इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कंपाउंड में, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी अकेले आइसोलेटेड एटम द्वारा। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर वही होगा जो आयनाइजेशन एनर्जी का है, यानी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, यानी एफ मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन, ये ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है, तो हम ये देख चुके हैं कि नीचे जब हम जाते हैं ग्रुप में तो आई की वैल्यू कम होती है, ईएन कम होता है और ये भी कम होता है। तो ऑर्डर क्या होना चाहिए था कि फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, लेकिन ये ऑर्डर रॉन्ग है। ये ऑर्डर, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है कि इन दोनों में इंटरचेंज होगा, यानी हाईएस्ट सीएल देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन, सॉरी करेक्ट ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये है। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस एलिमेंट की प्रेडिक्टेबल में हाईएस्ट है, तो इट इज हैविंग हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम किसको बोल रहे हैं कि एटम रखा हुआ है आइसोलेटेड एटम और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला फैक्टर कौन सा है, इसका न्यूक्लियस प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो नॉर्मली ये होता है कि जितना साइज छोटा है वो उतने ही फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा होने की वजह से, या मैं बात करूं कि नॉर्मली क्या होता है कि नीचे जाने पर अपन रेडियस बढ़ा रहे, तो एटम जितना बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी कम होगी, छोटे एटम की पावर ज्यादा होगी। छोटा वैसे फ्लोरीन है, लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया कि क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्लोरीन इज 3p एलिमेंट व्हाइल फ्लोरीन इज 2p एलिमेंट। अब 2p एलिमेंट का साइज जो है वो लेस होता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि 3p एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दूर दूर होंगे इस तरीके से, ठीक। और 2p इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 2p एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होंगे पास पास ऐसे। अगर इलेक्ट्रॉन पास पास है तो हम ये बोल सकते हैं कि हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसको जोड़ रहा है, जोड़ना है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है। अब बताइए कि रिपल्शन ज्यादा कहां लगने वाला है, इसमें या इसमें, इसमें, क्योंकि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इलेक्ट्रॉन जुड़ने के लिए आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन इक्वल चार्ज होने की वजह से रिपेल करेंगे इसे। इलेक्ट्रॉन अगर दूर दूर होंगे तो रिपल्शन कम होगा, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो यहां पे रिपल्शन क्या है, ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा होने से क्या होगा
कि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं जोड़ना चाहेंगे, नहीं जोड़ना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी लेस है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये चीज देखी गई है कि इसके लिए जो है, अगर मैं डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन ईजी की बात करूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, तो अगर हम यहां से बोलें तो डेल्टा ईजी इज मोर नेगेटिव फॉर क्लोरीन एटम। प्रैक्टिकली ये वैल्यू ऑब्जर्व हुई है कि जो एनर्जी रिलीज करते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़कर, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है क्लोरीन, और जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा इसका मतलब प्रोसेस आसानी से होने लग जाए। ध्यान देना, अगर एनर्जी चाहिए होती है तो प्रोसेस आसानी से नहीं होता है, लेकिन एनर्जी रिलीज करेगा तो प्रोसेस आसानी से होगा। तो दोनों की एनर्जी की जो वैल्यू है इट इज मोर नेगेटिव, मोर नेगेटिव का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है क्लोरीन इन कंपेयर टू फ्लोरीन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है एज वेल एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर। ठीक, कल स्टेट में मिलते हैं, तो फ्लोरीन जो है इट इज फाउंड इन F2 फॉर्म, Cl2 फॉर्म, Br2 फॉर्म, I2 फॉर्म। कंपाउंड जो नेचर में मिल रहा है इनका जो एलोट्रॉप है वो ये है एक तरह से, क्योंकि फ्लोरीन अकेला एटम नहीं मिलेगा, इट इज फाउंड इन डायटोमिक फॉर्म F2 गैस। ये गैस होता है, ब्रोमीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। F2 का जो कलर है वो येलो कलर है, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो, इट इज ब्राउन रेड और इट इज वायलेट कलर्ड। तो कलर इनका अलग अलग है। ठीक है, इन दोनों गैसेस के लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन के, अब ये डिफरेंस कैसे आया? ठीक है, सबसे पहली बात, इन सब में, सभी गैसेस में एक फोर्स पाया जाता है जो कि फोर्स कौन सा होता है, वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल फोर्स में भी एक स्पेशल टाइप इनमें पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्शन फोर्स, जो कि सबसे वीक होता है, इट इज वीकेस्ट फोर्स। अब क्वेश्चन ये हुआ कि वीक फोर्स हो रहा है चारों में, तो फिर ये सारे गैस होनी चाहिए थे। ठीक, तो उसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि वांडरवाल फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। तो अगर मैं फ्लोरीन से क्लोरीन की तरफ जा रहा हूं, फिर ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, तो इधर जाने पर क्या होता जाएगा, मोलर मास बढ़ता जाएगा, और मोलर मास बढ़ता जाएगा तो उस केस में इनकी फिजिकल स्टेट लिक्विड, ये गैस है दोनों, ये लिक्विड है और ये सॉलिड, क्योंकि ये ऑर्डर किसका हो गया, वांडरवाल फोर्स, जिसमें जितने ज्यादा होंगे दो मॉलिक्यूल उतना ही स्ट्रांगली बाउंड होगा एक दूसरे के साथ। व्हाट इज वांडरवाल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। तो दो मॉलिक्यूल में आयोडीन के लूं तो मोलर मास ज्यादा होने की वजह से वांडरवाल फोर्स ज्यादा होंगे, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ये सॉलिड कंडीशन में है, इनमें वीक होगा तो गैस। रीजन आता है अपने पास कि वाई फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर कलरफुल गैसेस, जबकि अगर हम O2 और N2 गैस को देखें तो दे आर कलरलेस गैस। तो इसका रीजन हम ये देते हैं कि गैप बिटवीन होमो एंड लूमो इज लेस, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइटेड इन टू अपर लेवल
होमो लुमुम किसको बोलते हैं, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मान लो यहां दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और लुमुम किसको बोलते हैं, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। खाली पड़ा हुआ है वो लुमो, और जो भरा हुआ है लास्ट वाला वो होमो। अब इनमें ऐसा होता है कि दोनों के बीच में गैप लेस होता है, गैप लेस होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली एक्साइटेड इनटू अपर लेवल, और जब ऊपर चले जाएंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे। वहां से जब ये वापिस आएंगे तो ये फोटोन एमिट करेंगे, और अगर ये फोटोन विजिबल रीजन में हुआ तो कंपाउंड विल बिकम कलरफुल। जबकि O2 और N2 में हम क्या बोलते हैं कि दिस गैप इज मोर, सो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्साइटेड इनटू अपर लेवल, और कलरफुल होने की संभावना इसकी खत्म हो जाएगी O2 और N2 में। ठीक, अब मैं यहां पर बता दूं एक चीज, F2 का अगर कॉन्फ़िगरेशन हम देखें MOT के हिसाब से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि F2 का स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, लुईस स्ट्रक्चर, F सिंगल बॉन्ड F, जितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आप सीधा बॉन्ड ऑर्डर लिख दो कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1। बॉन्ड ऑर्डर हम किसको बोलते हैं, जितने बॉन्ड दो एटम के बीच में, तो डबल बॉन्ड होगा तो 2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो 3, तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर सीधा लिख देंगे 1। ये चीज हम एमओटी के बेसिस पे निकालते हैं कि एमओटी के हिसाब से 1s2, उसके बाद सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, देन सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और उसके बाद पाई 2px2 स्टार, पाई 2py2 स्टार। तो इसमें जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं NB इज इक्वल टू, बॉन्डिंग मतलब जिन पे स्टार नहीं लगा हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 तो इसमें होंगे बॉन्डिंग, और स्टार जिन पे लगा हुआ है उनको NA एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला जाता है। तो 2 यहां से 4, ठीक है, 6 और 8, और बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। यहां से सोल्व करूं तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, और 1 बॉन्ड ऑर्डर में सीधा यहां से बता सकता था कि सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। यही चीज हम एमओटी प्रिंसिपल के बेसिस पे भी प्रूव करते हैं, तो संडे को एमओटी पढ़ाऊंगा। तो कर रहे हैं इनके बीच में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ अगर हम कंपेयर करें तो F2 इज लेस देन Cl2 लेस देन Br2 लेस देन I2। अब हम इसको सीधा ऐसे समझ सकते हैं कि एटम अगर छोटे होंगे, फ्लोरीन के दोनों एटम छोटे हैं, और आयोडीन इज बिगर इन साइज, तो आयोडीन के बीच में जो लेंथ होगी वो डेफिनेटली ज्यादा होगी किससे, F2 से। तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी, एटम का अगर साइज बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती जाएगी। और नॉर्मली ऐसा होता है कि बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्यों? क्योंकि बॉन्ड अगर लॉन्गर होगा तो वीकर होगा, आसानी से तोड़ा जाएगा, और स्मॉलर होगा तो मुश्किल होगा। तो अगर बॉन्ड एनर्जी देखी जाए तो क्या होनी चाहिए बॉन्ड एनर्जी, F2 मोर देन Cl2 मोर देन Br2 मोर देन I2, ये ऑर्डर होना चाहिए था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन ये ऑर्डर रॉन्ग है, ठीक है, यानी इस ऑर्डर को मैं कैंसिल कर रहा हूं। सही ऑर्डर इसका क्या है, Cl2 मोर देन Br2 मोर देन F2 मोर देन I2। यानी कि एक्सेप्शन कहां पे आया है कि फ्लोरीन जो है वो तीसरे नंबर पे आया है,
होना कहां चाहिए था, पहले नंबर पे, क्योंकि बॉन्ड अगर छोटा होगा तो मजबूत होगा और तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये F2 तीसरे नंबर पे क्यों आया है उसका कारण समझ रहे हैं। फ्लोरीन के स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग के बाद तीन तीन इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों फ्लोरीन एटम पे होते हैं। अगर बॉन्ड छोटा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर होंगे, और अगर लोन पेयर क्लोज में आ गए तो इनमें रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्लोजर होने की वजह से ज्यादा रिपल्शन है, मोर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर, और ज्यादा रिपल्शन होगा तो बॉन्ड बिकम्स वीकर, और वीकर हो जाएगा तो तोड़ना आसान हो जाएगा एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस रिक्वायर्ड। समझिए बात को, तो एक्सेप्शन इज फ्लोरीन। डेंसिटी का ऑर्डर हम देखें तो डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास। बातें नहीं, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक मास, यानी कि फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका डेंसिटी का। तो वो तो वैसे भी ऑब्वियस है क्योंकि आयोडीन सॉलिड है, ब्रोमीन लिक्विड है और ये गैस है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते जा रहे हैं, फोर्स बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। और एक और रीजन बोल सकते हैं कि नीचे जाने पर एटोमिक मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स उसी से रिलेट किया बने, वैन डर वाल फोर्स बढ़ने वाले। डेंसिटी के अलावा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देखें, अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट में बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना आसान नहीं है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कम एक्सेप्शन होते हैं और वो नॉर्मली ऐसे डिफाइन होता है कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। तो यहां पर कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन, और सेम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है और सेम ही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ठीक है, डिफरेंस क्या है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में, पहले हम इसको मेल्ट करेंगे उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो ये वेपोराइज होगा। ठीक है, तो सॉलिड कंडीशन में अगर हुए चारों, ठीक है, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा, ज्यादा फोर्सेस ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। ऑक्सीडाइजिंग पावर हम देख रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो ऑर्डर है ये ऑर्डर होता है कि फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। और ये चीज किससे जुड़ी हुई है कि यही ऑर्डर जो है ये इनके एसआरपी का ऑर्डर है। एसआरपी का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब जिसका एसआरपी हाई होगा उसका रिडक्शन ज्यादा होगा, और जिसका रिडक्शन ज्यादा होगा उसके दूसरे का ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी क्या होती जाएगी बढ़ती। अब ये तो गया इसका डेटा वाइज फैक्ट कि एसआरपी ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। हम इसको सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी हाई है, तो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इजीली उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन को लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो छोटे साइज की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, रिडक्शन आसानी से होगा, और जिसका रिडक्शन आसानी से होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। तो रीजन आप ये लिख सकते हैं कि एसआरपी इज मोर, क्या लिख सकते हैं, साइज इज स्मॉल। तो फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बहुत इजीली जो है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा, या रिएक्टिविटी भी इसकी ज्यादा होगी। ठीक, मतलब इसकी रिएक्टिविटी इतनी हाई है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन की रिएक्शन डार्क रूम में भी हो जाती है, बाकी के लिए रिएक्शन थोड़ी स्लोअर हो जाएगी, वो हम आगे लिखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट
नोट करो। सबसे पहला पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप के बाकी मेंबर है उससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने में कहां कहां डिफरेंस है, एक तो इसका स्मॉल रेडियस है, ठीक। दूसरा क्या है कि इट ऑलवेज शोज ओनली शोज माइनस वन स्टेट, ठीक। इसके पास जो है डी ऑर्बिटल नहीं है तो बैलेंस ही एक्सपेंड नहीं कर पाएगा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। चौथा जो डिफरेंस है कि इसका फ्लोराइड में ले लू तो AgF इज सॉल्युबल इन वाटर, वाइल AgCl, AgBr एंड AgIr इन सॉल्युबल सॉल्ट। इसके उल्टे अगर मैं देखूं तो CF2 इज इन सॉल्युबल वाइल CaCl2, CaBr2 एंड CaI2 आर सोल्यूबल। ये डिफरेंस हो गया इसका सोल्यूबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और डिफरेंस जो है अपन इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि इट कैन रिएक्ट वायलेंटली विद हाइड्रोजन, इवन इन डार्क रूम इट कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म H2+F2, मिलकर HF बनाते हैं। तो बाकी गैसेस भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करती है पर उनका रिएक्शन इतना वायलेंट नहीं होता बिकॉज रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन इज वेरी हाई। ठीक, यही रोक रहे हैं आज अपन।